25 अगस्त 2024 की तड़के हिजबुल्ला ने इसराइल पर करीब 300 से ज्यादा रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलें दागने का दावा किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए थे उसमें हिजबुल्ला के कुछ ड्रोन्स, मिसाइल और रॉकेट तेल अविव तक पहुंचे थे, लेकिन इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा था कि उसने लेबनान की तरफ से दागे गए करीब 220 रॉकेट्स, मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया था। और इससे पहले इजरायली सेना ने अपने 100 लड़ाकू जेट्स से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के सैकड़ों लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया था। लेकिन इस सब के बीच अहम बात यह रही, हिजबुल्ला और इजरायल दोनों के ही दावे एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन अब ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने हिजबुल्ला के इस हमले की सराहना की है। इसको लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने ट्विटर पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इजरायली दुश्मन छुपने में काबिल हो सकता है, वो हिजबुल्ला के हमलों के तथ्यों को छिपा या दबा सकता है, लेकिन ये सबको भलीभांति पता है कि मौजूदा तथ्य बदलेंगे नहीं। अपने इस बयान में ईरान ने आगे कहा कि इजराइल इस तरह के हमलों को रोक पाने की ताकत को खो चुका है। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2024 को हिजबुल्ला प्रमुख ने कहा था कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें इजरायली सेना के इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया गया था जो गिलॉट बेस पर है। कनानी ने आगे कहा कि इजराइल की सेना अपनी आक्रामकता और रोकथाम की ताकत को खो चुकी है और अब उसे रणनीतिक हमलों से खुद को बचाना चाहिए। आपको बता दें कि ईरान ने यह भी दावा किया है कि हिजबुल्ला ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के भीतर तक हमला किया है और अब इन हमलों की वजह से रणनीतिक संतुलन में बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, जिससे इजराइल को नुकसान हुआ है। वहीं ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी ने हिजबुल्ला की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हिजबुल्ला का इजराइल पर हमला ईरान और सहयोगियों का इजराइल के खिलाफ बदले का हिस्सा था। पिछले महीने हमास के नेता इस्माइल हानिया की इजराइल ने हत्या कर दी थी, जिसका जवाबी हमला जरूर होगा। ईरान तय करेगा कि उसे कैसे और कब बदला लेना है। प्रतिरोध की धुरी इस्माइल हानिया के खून का बदला लेगी। प्रत्येक सदस्य अपनी योजना और क्षमता के हिसाब से ये तय करेगा। हमने कल जो देखा, हिजबुल्ला का हमला, वो बदले का हिस्सा था। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के इस हमले के बीच अमेरिका ने ईरान और उसके सहयोगियों को चेतावनी दी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान इजराइल के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता एयरफोर्स मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि ईरानी नेताओं और अन्य द्वारा जनता के बीच कई ऐसी टिप्पणियां की गई हैं। हम इसका लगातार आकलन कर रहे हैं कि ईरान इजराइल के लिए एक खतरा है। वहीं उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ ने हिजबुल्ला के हमले की तुलना द्वितीय लेबनान युद्ध से की है, जो इसराइल और लेबनान के बीच 2006 में हुआ था। घालिबाफ ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल की आज की हार साल 2006 में हुए हमले की हार के बराबर है और वो इस हार को छिपा नहीं सकते हैं। ईरानी स्पीकर के अलावा हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने भी इसराइल पर हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। नसरल्ला ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा था कि हिजबुल्ला ने इसराइल के 11 सैन्य अड्डों पर 320 कत्यूशा रॉकेट दागे थे। इन रॉकेट्स को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब रहे थे और इसके बाद हिजबुल्ला ने केंद्रीय इसराइल पर दर्जनों सीधे ड्रोन दागे थे। लेकिन इजरायली सेना ने कहा था कि उसने हिजबुल्ला के अधिकतर हमलों को नाकाम कर दिया था।
और किसी भी सैन्य अड्डे को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एक इंटरसेप्टर के नुकीले पंख की वजह से एक पेट्रोलिंग नाव पर मौजूद एक इजरायली नौसैनिक की मौत जरूर हो गई थी।